NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS परीक्षा जैसे नज़दीक आ रही है, आप निश्चित रूप से पढ़ाई में जुटे होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि पुराने पेपर्स और साथ ही कुछ मॉडल पेपर्स आपके लिए लेकर आए जाएं, और इसी कड़ी में 2021 का जो NMMS का पेपर है उसके सेट वाले पेपर का पहला पार्ट हमने कर लिया था साइंस का। आज हम हल करेंगे दूसरा पार्ट जिसमें सामाजिक विज्ञान और मैथ यानी गणित के सवाल को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सामाजिक विज्ञान का, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स इज। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ संसाधन हैं जो खत्म हो जाते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है वो है हमारे सामने पवन ऊर्जा। अगला है, जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 12 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस कब है, ये 22 मई, तीनों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, रक्षक मेखला, समोच्च रेखीय जुताई, मल्चिंग, वेदिका कृषि। सही आंसर है चौथा ऑप्शन, वेदिका कृषि, जिसमें सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। वेदिका कृषि यानी सीढ़ीदार खेत। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है मैग्नीज, सोना, अभ्रक, सीसा। सही आंसर है अभ्रक, माइका। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधात्विक खनिज यही है, ये तीनों धात्विक खनिज हैं, किस श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। परंपरागत स्रोत वही जो अनवीकरणीय है, और गैर परंपरागत जो परंपरा से प्राप्त नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल है, वो है हमारा परमाणु ऊर्जा। परंपरागत स्रोतों में आते हैं पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक परंपरागत स्रोतों में आते हैं, और ये गैर परंपरागत स्रोत में परमाणु ऊर्जा हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, ये कहा जाता है जूट को। थर्ड ऑप्शन पटसन हमारा सही है, जूट यानी पटसन। अगला प्रश्न है हमारा 132वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये औसत घनत्व है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ये होती है 13 किलोमीटर। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन का उदाहरण है, स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन, चिनूक, पछुआ, और आगे है पोलर यानी ध्रुवीय। सही आंसर होगा चिनूक दूसरा, ये चिनूक है, ये रॉकी पर्वत के पास चलती है। व्यापारिक पवन, पछुआ और ध्रुवीय ये स्थाई पवनों के उदाहरण है, स्थाई। और स्थानीय यानी लोकल, जो किसी स्थान विशेष
ये स्थायी है, ये तो हमेशा एक एक दिशा में ही चलती हैं, निश्चित होती है इनकी दिशा। और स्थानीय पवने किसी स्थान विशेष में होती हैं, जिस तरह राजस्थान में जो गर्मियों में हवा चलती है गर्म, उसको कहते हैं लू। यूरोप में जो लोकल विंड हैं, स्थानीय पवने हैं, वो कहलाती है फोहन और मिस्ट्रल। और चिनूक यहाँ दिया हुआ है रॉकी पर्वत के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135वां प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? बुक से यूं का यूं सवाल उठाया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। और ऑप्शन ने उनके बारे में बात करते हैं। टोर्नेडो है, टोर्नेडो कैरेबियन सागर यानी वेस्ट इंडीज़ और मैक्सिको में ये टोर्नेडो कहलाता है, वही तूफान है, चक्रवात होता है एक तरह से, चक्रवाती हवाएं होती हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में तो हरिकेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही जब कैरेबियन सागर या मैक्सिको के पास पहुँच जाता है तो टोर्नेडो कहलाता है। यही चक्रवात यदि जापान, चीन या फिलीपींस में आते हैं तो टाइफून कहलाते हैं, और यदि ऑस्ट्रेलिया में आता है तो विली विलीज कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वॉन झील स्थित है, वॉन झील कहाँ स्थित है? वॉन झील स्थित है तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ये संख्या 12 है, और कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की होती है 250। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की पूछी जाए 250। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं। 139 कहता है, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? और वो अनुच्छेद है 21। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्या का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यानी न्यायपालिका, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यानी एमएलए कितने हैं राजस्थान में, ये कह सकते हैं, विधायक कितने होते हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो ये संख्या है हमारी 200, पहला ऑप्शन हमारा सही है। और राज्यसभा से यदि लोकसभा, राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए, लोकसभा सदस्य या सांसद, वो 25 हैं, और राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं 10। विधानसभा में 200 सदस्य, लोकसभा में 25 सदस्य, और राज्यसभा में 10 सदस्य, ये राजस्थान का स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री है वो कार्यपालिका का मुखिया होता है, या ये कह सकते हैं कि वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक मुखिया, संविधान की दृष्टि से मुखिया की बात करें तो राज्यपाल होता है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आप देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन तो हटा देने हैं, उसके बाद जो बच गया हमारा आंसर है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ये तीनों तो होते हैं, तो हमारा आंसर होगा चौथा, राज्यपाल, चौथा आंसर बिल्कुल सही है।
144 कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.12%। 52.12%। यदि कुल साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता जिसे महिला पुरुष शामिल है तो वो थी 66.17। यदि पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता थी 79.20% और महिला साक्षरता थी 52.12%। तो हमारा आंसर सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 52.12%। राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो सही आंसर होगा 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक सौ 147 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। चोल गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत का, चौहान उत्तर भारत का, गोहिल उत्तर भारत का, हालांकि राजस्थान के, और चोल है ये दक्षिणी भारत का राजवंश था। आगे बढ़ते हैं, कानड़देव शासक कहाँ का था। कानड़देव शासक था राजस्थान के जालौर का, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है दिवेर युद्ध कब हुआ था। दिवेर युद्ध हुआ था 1582 में। किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट और मुगलों के मध्य 1582 में। 1576 में कहें 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। एक सौ 150 नंबर का क्वेश्चन है सेना का हरावल दस्ता क्या होता है। जो सेना का अग्रभाग होता है, अगला हिस्सा, उसको कहा जाता है हरावल दस्ता, और सेना का जो पिछले पीछे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं चंद्रावल या चंदावल। गागरौन दुर्ग स्थित है, जिला पूछा है, जोधपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़, तो ये झालावाड़ में स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही है। और गागरौन एक जल दुर्ग है, जल दुर्ग दो नदियों के संगम पर स्थित है। वो दो नदियां हैं काली सिंध और आहू, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ के गागरूनी तोते प्रसिद्ध हैं, हीरामन तोता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे श्री रामचरण जी, संत रामचरण जी, ये राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी ने। और ये चारों ही जो संत हैं, संत रामदास जी, दरियाव जी, हरिदास जी और रामचरण जी, चारों ही राम स्नेही संप्रदाय के आधार एक तरह स्तंभ कहे जाते हैं। संत रामदास जी ने खेड़ापा जोधपुर में इसकी पीठ की स्थापना की थी। खेड़ापा जोधपुर में पीठ की स्थापना करने वाले थे रामदास जी। रैन शाखा नागौर की संस्थापक थे दरियाव जी और सिंहथल शाखा बीकानेर के संस्थापक थे संत हरिदास जी। अगला प्रश्न है आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है। आभानेरी मंदिर दौसा में स्थित है, जहाँ आप चांद बावड़ी देख सकते हैं, दौसा में आभानेरी मंदिर, चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर, ये चीज़ें आपको आभानेरी मंदिर के पास देखने को मिलेंगी दौसा में, चांद बावड़ी, आभानेरी मंदिर दौसा में। अगला प्रश्न है हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु का संबंध है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, बंगाल से। तो ये संबंधित हैं बंगाल से, बंगाल से आए थे ये चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये था 1757 में, और ये कह सकते हैं अंग्रेज़ों के पैर जमाने का एक माध्यम था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध।
ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विलय की नीति अपनाई गई। किस अंग्रेज अधिकारी ने विलय की नीति को अपनाया था, और विलय की नीति को अपनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें यह था कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज साम्राज्य में मिलाना, वो किस तरीके से मिलाना कि यदि कोई राजा निसंतान मर गया तो उसके राज किसी दत्तक पुत्र को, दत्तक संतान को उसकी संतान स्वीकार नहीं करके उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये थी विलय की नीति, और इसके तहत सबसे पहले सतारा को का विलय किया गया था 1848 में। इसके बाद 1849 में संभलपुर, 1853 में झांसी का, 1854 में नागपुर का, और 1856 में अवध का विलय किया गया था इस नीति के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी? ये की गई थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस कार्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कार्नवालिस वायसराय थे उस समय। 1793 ईस्वी में ये व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत की प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत की जो प्रथम सूती कपड़ा मिल थी, वो आधुनिक जो मिल थी वो मुंबई में स्थापित हुई थी 1854 में। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, 10 अप्रैल 1875। किसने की आर्य समाज की स्थापना? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो ये जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली कहें, सालिम सिंह की हवेली कहें, नथमल की हवेली, ये तीनों ही हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित हैं। ये थे हमारे सामाजिक के प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैथ के, गणित के प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। -1/13 सही आंसर होगा, ठीक है? अगर गुणात्मक की जगह हम योज्य प्रतिलोम कहें, एडिटिव योज्य प्रतिलोम कहेंगे तो आंसर होगा 13, और गुणात्मक प्रतिलोम है तो हमारा सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, -1/13। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 हो तो 4x-3+6 का मान क्या होगा? हल करके देख सकते हैं कि 4x का मान 2 रख दिया, -3+6, 3, 2-3-1, 4 × 4 -4+6, तो प्लस के बच गए 2। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संकेत इसका, ये जो संकेत दिया हुआ है इसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट। तो इसका प्रयोग किया जाता है स्क्वायर रूट के लिए, वर्गमूल के लिए। आगे चलते हैं, वक्र जो बहुभुज नहीं है, वक्र जो बहुभुज नहीं है, बहुभुज बहुभुज किसको कहते हैं जिसमें अनेक भुजाएं हों, वो बहुभुज कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है।
इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 165। दिए गए चित्र में एक्स डिग्री का मान क्या होगा? एक्स डिग्री बिल्कुल आसान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। अब 180 में से 65 और 45 घटाने हैं और बचेगा जो वो होगा 70 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 70 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारे पास 166 नंबर, जो कह रहा है कि एक वर्ग में, चार ऑप्शन हमारे पास, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। सम चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही ये भी बात। आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, ये भी सही बात है, यानी सभी बातें सही हैं, इसलिए आप ऑप्शन होगा चौथा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा 8400 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7140 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा, बट्टा कितना दिया? अंकित मूल्य 8400 है और विक्रय मूल्य है 7140, तो बट्टा कितना है? तो बट्टा हम निकाल लेंगे और हमारा आंसर होगा 15%, 15% बट्टा। दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा, जो आंकड़े दे रखे हैं इनका बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है 12, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 उत्तर। 4p एवं -8p का गुणनफल है, गुणनफल तो माइनस तो होगा ही होगा, 832p2। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, -32p2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी, जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसी में हम इनको फिट करके और आंसर निकाल सकते हैं, 52 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा आधार कहाँ है, आधार 13 है और ऊंचाई एक्स या ए, ठीक है, 13/2 2a, तो 52 गुणा 2/13, 4×8, आंसर सही आंसर होगा 8 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई होगी, भुजा की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास 172 नंबर, यदि 24:x 12:18 हो तो x का मान होगा, x का मान हमारे पास होगा 36, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला देखते हैं, 10 PQ 20 QR 30 RP में सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड होगा 10 QQ 2Q, अकेला 10 ही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 1 1 1 0 0 1 और 0 0, तो सही उत्तर है चौथा 0 0। अगला प्रश्न है 175 नंबर, 5
की क्यूब डिवाइड बाई 5 की क्यूब का मान है। तो आप देख सकते हैं, आसानी से उत्तर दे सकते हैं और इसका आंसर होगा 1। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, 24 का तीन चौथाई, ये तो सही आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन 18। एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण है। अब कोण की बात करें तो दो तरह के कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री, पूरक और कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, संपूरक कहलाता है सप्लीमेंट्री और पूरक कहलाता है कम्प्लीमेंट्री। पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कहलाता है संपूरक कोण। ठीक है, तो अब ये कह रहा है प्रश्न, एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है, तो पूरक कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो पूरक कोण के मान के बराबर यानी इसका आधा आधा, तो हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, सही होगा। और संपूरक कोण कहें आधा आधा तो वहाँ 90 डिग्री का होगा संपूरक कोण, ये ध्यान रखना है, यानी इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, यदि x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 - 3 एक्स स्क्वायर का मान होगा। इसका मान आप निकालेंगे पच्चीस माइनस तीन मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर या 9 9, तो ये हो गए, और 9 3 27 27, 25 - 27 तो आया -2, हमारा सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन -2। अगला प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, और 42 सेंटीमीटर वाले व्यास की परिधि होगी वो होगी 132 सेंटीमीटर। इस पेपर का अंतिम प्रश्न, परिमेय संख्याएं 1/3, -2/9, -4/3 का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर है वो है तीसरा ऑप्शन, हमारा सही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था NMMS 2021 का सेट का पेपर, जिसमें मैथ और SS के प्रश्नों को हमने हल किया। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें, और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, परीक्षा आपकी अच्छी हो, भगवान से यही शुभकामना है। धन्यवाद।